हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू की कचौड़ी। आप चाहें तो इसे सत्तू का लिट्टी भी बोल सकते हैं, अलग अलग जगह में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सत्तू का कचौड़ी बनाने के लिए पहले हम इसका फिलिंग्स तैयार करेंगे। फिलिंग्स बनाने के लिए मैंने प्याज लिया है। प्याज को अच्छी तरीके से छील के उसे मैंने पानी में धो लिया है और धोने के बाद मैं इसे काटूंगी। प्याज को मैं छोटा छोटा पीस में काट रही हूँ। जितना पीस छोटा पीस रहेगा उतना सत्तू में मिक्स हो पाएगा। मैंने दो मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। आप चाहें तो एक बड़ा साइज़ का प्याज ले सकते हैं। अगर आप प्याज ना डालना चाहें तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। प्याज मेरा कट गया है। अब मैं मिर्ची को काट ले रही हूँ। मिर्ची काटने के बाद मैं धनिया पत्ता को काट ले रही हूँ। सारा को बहुत छोटा छोटा काटना है। धनिया पत्ता भी मेरा कट के तैयार हो गया है। अब मैं लहसुन की कलियाँ को भी काट लूँगी। कट के तैयार हो गया है सारा कुछ। एक कटोरी में मैंने एक कप सत्तू लिया है, दो मीडियम साइज़ का प्याज, दो मिर्ची और धनिया पत्ता, अजवाइन और मंगरेला दो चम्मच, दो चम्मच नमक। अब सारे को मैं सत्तू में डाल देती हूँ। इसे अच्छे से आराम आराम से डालें ताकि ये बाहर न गिर जाए। उसके बाद मैं इसमें अजवाइन और मंगरेला डाल दी हूँ। अजवाइन और मंगरेला डालने के बाद मैं इसमें दो चम्मच और हाफ चम्मच नमक डाली हूँ। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें, अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ा कम डाल सकते हैं। अचार का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। अचार का मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो सिर्फ सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अचार मसाला डालने के बाद मैं उसमें लेमन का रस डाल दी हूँ। अब मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छे से हाथों से मसल के मिक्स करें ताकि सत्तू और सारा प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची और मसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करते समय अगर आपको लगे कि तेल कम है तो आप इसमें और अलग से तेल ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दी हूँ और धनिया पत्ता। थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाली हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा फिलिंग्स थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो मैं उसमें सरसों का तेल डाल के और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हाथों से ही मिक्स किया जाता है। अगर आप इसे चम्मच से मिक्स करेंगे तो ये अच्छा से नहीं मिल पाएगा। इसे हाथ से मिलाने से अच्छा से मिल जाता है। एक बर्तन में मैंने आटा लिया है, रिफाइन ऑयल, नमक और अजवाइन और मंगरेला और एक ग्लास पानी ली हूँ। आटे में मैं 3.5 स्पून नमक डाली हूँ और थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला डाल दी हूँ। रिफाइन ऑयल आप कम और ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि आप रिफाइन ऑयल अगर ज़्यादा डालेंगे तो लिट्टी थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। अब मैं सारे चीज़ को अच्छे से मिला देती हूँ। इसे हाथों से अच्छे से मसल के मिलाना है। मैं अपने हाथों से इसे मिला रही हूँ। जितना अच्छा से मिलाएंगे आटा उतना अच्छा से बन के तैयार होगा। आटा हमारा मिल के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल ले रही हूँ। पानी डाल के इसे मैं अच्छे से हाथों से मिक्स कर दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल मैं आटा को गूंथ ले रही हूँ। एक बार सारा पानी ना डालें क्योंकि अगर एक बार सारा पानी डालने से आटा हमारा गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को गूंथें। और आटा को थोड़ा टाइट गूंथना है, रोटी जैसा मुलायम आटा ना करें। आटे को थोड़ा टाइट रखें, जैसा हम पूरी के लिए आटा बनाते हैं उस टाइप का आटा बनाना है। आटा हमारा गूंथ के तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें तेल लगा दे रही हूँ। आटे में तेल लगा के थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। अब हम कचौड़ियों को बेलने और तलने की तरफ चलते हैं। तो सारे आटे को मैं छोटा छोटा लोई बना ली हूँ। गोल बना के इसे हाथों से घुमा घुमा के गड्ढा बनाना है। जब यह गड्ढा बन जाए तो फिर मैं इसमें सत्तू का फिलिंग्स भर देना है। सत्तू का फिलिंग्स भर के इसका मुंह को बंद कर देना है। धीरे से हाथ को घुमा घुमा के इसे बंद करना है। फिर से इसे गोल करके आप चाहें तो ऐसे भी तल सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बेल सकते हैं।
बेलने से ये थोड़ा पतला हो जाता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें कचौड़ी को डाल देती हूँ। हमने एक साथ तीन कचौड़ी डाला है। तेल हमारा अच्छे से गर्म था, कचौड़ियाँ डालते ही तेल हमारा बॉयल होने लगा, कचौड़ियाँ हमारा तल रहा है। इसे अच्छे से तलना है, बार बार पलट पलट के, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और इसका कलर गोल्डन ना हो जाए तब तक इसे हमें तलना है। कचौड़ी के ऊपर आप चाहें तो कलछल से तेल डाल सकते हैं, ऊपर तेल डालने से ऊपर का सरफेस भी अच्छे से पक जाता है। फ्लेम को मीडियम ही रखें, मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से पकता है। अगर फ्लेम हाई रहेगा तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको पकाने के लिए फ्लेम को मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पे ही इसे बार बार पलट पलट के पकाएं, तब ये अच्छे से पक पाएगा। मैंने इसको पलट दिया है, अंदर का कलर गोल्डन हो गया है, देखिए कैसा गोल्डन कलर हुआ है। अब इसे अंदर की तरफ पकाना है, ऊपर से तेल बार बार डाल के आप पका सकते हैं। तब तक दूसरे को भर कर तैयार कर लेते हैं। 70 कचौड़ी खाने में बहुत टेस्टी होता है, अगर आप इसे इस तरह से पकाएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी होगा। फिर से मैंने एक बार पलट दिया है, इसे बार बार पलट के पकाने से ये क्रिस्पी हो जाता है। तो आप चाहें तो इसे दो चार बार पलट सकते हैं और पलट के इसको पका सकते हैं। दो चार बार पलटने से ये क्रिस्पी हो जाएगा, कचौड़ियों में अच्छा सा कलर आ गया है। अब ये बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसे छान लेती हूँ। एक एक करके मैं इसे प्लेट में छान ली हूँ। प्लेट के अंदर मैंने टिश्यू पेपर रखा है ताकि सारा तेल को वो एब्जॉर्ब कर ले। कचौड़ी हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम गोल्डन कलर आया है, देखने से क्रिस्पी भी लग रहा है। इसी तरह मैंने फिर से कचौड़ी को तेल में डाल दिया, फिर से मैंने तीन कचौड़ी को डाला है। इस तरह से आप धीरे धीरे करके पका लें, फ्लेम को मीडियम ही रखें। देखिए कचौड़ी हमारा बनके तैयार हो गया है, ये कितना टेस्टी दिख रहा है, अंदर से देखिए पूरा भरा हुआ है। आप चाहें तो इसे दही और सॉस के साथ खा सकते हैं।